मैं आपको फायर पैनल सिस्टम इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली फायर पैनल सिस्टम होता क्या है, कैसे वो वर्कआउट करता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स देना चाह रहा हूँ। तो पहले दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे को ये जो सिक्योरिटी का नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, तो उसको और ज्यादा आपको नॉलेज दो, इसलिए मोटिवेट कीजिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों, फिलहाल आज हम देखते हैं कि फायर पैनल सिस्टम क्या होता है, फायर पैनल होता है क्या। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी रहती है दोस्तों, उसमें इन इमरजेंसी अगर कुछ भी फायर का इंसिडेंट होता है तो उसका आपको तुरंत जानकारी के लिए फायर पैनल सिस्टम बिठाया होता है दोस्तों। तो एक काम कैसे करता है देखो दोस्तों, एक सिक्योरिटी कंट्रोल रूम होता है, तो बीएमएस रूम बोलते हैं उसको दोस्तों, कंपनी में कौन से भी सिक्योरिटी कंट्रोल रूम या बीएमएस रूम होता है, उसमें एक ऐसा फर्स्ट क्लास का एक बॉक्स बिठाया होता है दोस्तों, उसमें वो कनेक्ट होता है बॉक्स दोस्तों पूरा, उसमें एमसीपी कनेक्ट होता है और स्मोक डिटेक्टर कनेक्ट होता है, हीट डिटेक्टर कनेक्ट होता है और हुटर कनेक्ट होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जब भी कभी फायर इमरजेंसी लगती है तो और कुछ होता है, अगर एक्टिव करना है तो उसको पहले एमसीपी पुल डाउन करना पड़ता है। तो जैसे भी एमसीपी यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट ऑफ एक्टिव उसको पुल आउट करेंगे तो पूरा फायर सिस्टम एक्टिव हो जाता है दोस्तों, उसके ही हिसाब से स्मोक डिट जैसा कि एमसीपी पुल आउट करने के बाद फायर सिस्टम एक्टिव होता है, वैसा ही दोस्तों अपनी कंपनी में स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर बिठाए होते हैं। तो स्मोक डिटेक्टर क्या करता है, अगर उसके पास में धुआं अगर फायर ऐसा कुछ दिखता है उसको वो स्मोक डिटेक्टर भी एक्टिव होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होता है तो फायर पैनल भी एक्टिव होता है, और उसके बाद में होता है हीट डिटेक्टर, वो भी जिधर भी किचन या पेंट्री में हीट डिटेक्टर बिठाया होता है उधर का टेम्परेचर 57 डिग्री के अबव हो गया तो ये हीट डिटेक्टर भी अलार्म मोड में जाता है, और उस वो जैसे ही अलार्म एक्टिव होता है तो फायर पैनल भी एक्टिव होता है दोस्तों। और ये जो हुटर होता है वो कॉमनली जो अटैच होता है, तो हुटर आपको जोर जोर से बजने लगता है तो बीपिंग करता है, बहुत जोर जोर से बजने लगता है तो आपको पता चलता है कि किधर तो फायर अलार्म सिस्टम ऑन हो, फायर इंसिडेंट हुआ है और पूरा फायर अलार्म सिस्टम ऑन होता है। जैसे ही फायर अलार्म सिस्टम एक्टिव होता है दोस्तों, पहले आप देखेंगे तो फायर अलार्म सिस्टम देखेंगे तो वो पूरा नॉर्मल जोन में होता है, उसके जो बॉक्स होता है उसमें नॉर्मल जोन जितने भी जोन है तो नॉर्मल मोड में देते हैं। जब भी फायर अलार्म बजता है एक्टिव होता है, तो फायर पैनल जब एक्टिव होता है तो उधर एक ऐसे जो भी फायर जो जो भी आपको उधर बटन दिखाई देंगे उसमें लाइट जलने लगती है और वो बीप करने लगता है दोस्तों, तो पता चलता है कि किधर तो फायर अलार्म हुआ है, और वो जो आपका जो ये बॉक्स विंडो दिखाई देगा उसमें आपको पूरा उसका डिटेल्स दिखाई देगा उस लोकेशन का दोस्तों, उस लोकेशन में कौन सा जोन है अपनी कंपनी का, कौन सा स्मोक डिटेक्टर है, कौन से फ्लोर पे है, वो सब डिटेल्स उसका सीरियल नंबर ये सब उसको आपको दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा, तो तुरंत बीएमएस कंट्रोल रूम का जो ऑपरेटर है वो उसमें देखेगा, तुरंत देखेगा और जो भी लोकेशन दिखाई देगा उस लोकेशन पे पहुंच जाता है दोस्तों। उसके वजह से वो किधर स्मोक डिटेक्टर कौन सा सीरियल नंबर है वो सब देख के वो पता चलता है उसको कि किधर क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये फायर पैनल सिस्टम से आप उसमें बटन होता है एक साइलेंस का भी होता है, अगर वो बार बार बजने लगता है तो आप उस बटन को पॉज करके साइलेंस कर सकते हैं उसकी आवाज को उठर के, और उसमें बाद में रिसीट का भी एक बटन होता है, तो रिसीट का बटन इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, आपके पूरा पैनल फायर पैनल एक्टिवेशन लोकेशन देख के चेक करके उधर का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया, पूरा सिस्टम ऑन हो गया, तो फिर उसको दोबारा ऑन करने के लिए उसको रिसीट करते हैं, रिसीट के बाद वो पैनल फिर एक बार अपने नॉर्मल जोन में आ जाता है। तो ऐसा ही फायर पैनल है दोस्तों। तो फायर पैनल की वजह से आपको तुरंत एक जगह बैठकर कंपनी में अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो पता चल जाता है दोस्तों। तो ये फायर पैनल सॉफ्टवेयर कंपनी में और किधर भी तो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज ये अपना एक फायर पैनल सिस्टम के बारे में छोटा सा टॉपिक था, वो कैसे सिस्टम और भी डीपली कैसा काम करता है वो मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो नॉलेज दे रहा है उसके लिए मेरे को मोटिवेट कीजिए। जय हिंद।